हाई एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं जा रही हूँ दिलजीत दोसांझ के इस शो पे। अभी तक मैंने शावर नहीं लिया है क्योंकि मुझे लंच बनाना था। नव्या निर्वाण के साथ डेडा है, ही इज़ बैक। और इतना एक्साइटमेंट है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड दिस इवेंट ऑफ दिलजीत दोसांझ। जा रही हूँ शावर लेने के लिए। लंच वंच सब रेडी है, बच्चों को खिला दिया है और रेडी होती हूँ। सोचा नहीं है अभी क्या पहनना है। जीन्स और शॉर्ट्स में थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। देखते हैं कि क्या पहनना है। जब मैं रेडी हो जाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को। और या तो साथ में निकालते हैं। शावर लेके खड़ी हूँ मैं क्योंकि अभी मैं नहाने ही जा रही थी, तो ऐसे हाल में मुझे देख लो। अभी मैं ऐसी दिख रही हूँ। थोड़ी देर में दिखाऊंगी ये कैसा लगता है जब जाने के लिए रेडी होना है। मैं ले रही हूँ अपना कोच का बैग, जो कि मुझे लगता है इज़ गोना बी द बेस्ट आइडिया टू टेक इट। ये है मेरा कोच का बैग। इसका स्लिंग बैग एंड वो छोटा भी हो जाता है। एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट लाइक दिस एंड इट्स गोना लुक नाइस। एंड प्लस सो दिस इज़ माई कोच। और मैं कपड़ों में सोच रही हूँ ये वाला शॉर्ट्स पहनने के लिए, और ये वाला शॉर्ट्स और इसके साथ कुछ क्रॉप टॉप पहनूंगी। ईदर आई शुड वेयर दिस और मुझे शायद जीन्स पहन लूँ, क्योंकि लेट्स सी, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। नरेंद्र इज़ नॉट गोइंग टू अटेंड, ही इज़ नॉट अ फैन ऑफ दिलजीत दोसांझ, बट आई एम। मतलब मैं कब से इसको मैनिफेस्ट कर रही थी और ये मेरी मैनिफेस्टेशन ही है जिसकी वजह से आज ये चांस मिल रहा है दिलजीत दोसांझ को देखने का। आई एम डैम एक्साइटेड। तो चलो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं और मैं जाती हूँ नहाने के लिए। उसके बाद तो मैंने सोचा है कि मैं ये पहनूँ, या तो मैं ये वेस्ट पहनूँ या क्रॉप टॉप। दिस इज़ गोइंग टू बी माई ज्वेलरी और ये है शॉर्ट्स। अब मैं शॉर्ट्स के साथ फिर मैं ये वाला बैग लूँगी और अपने शू पहनूँगी, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी वेरी वेरी कम्फर्टेबल, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो ये मेरा भी सिलेक्शन है। लेट्स सी कि मैं क्या पहनती हूँ, लेकिन अभी तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो यहाँ हूँ मैं अपने पजामे में और जा रही हूँ फटाफट नहाने के लिए। आ गई हूँ बाथरूम में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी, मैं नहीं कर पाई। मेरी आईब्रोज की हालत ख़राब है जिन्हें मुझे फ़िक्स करना है, जो मैं नहाने के बाद करूँगी। और अभी तो फटाफट से नहा लेती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, मुझे निकलना है यहाँ से टाइम पर। मेरे फ्रेंड्स आएंगे पिक करने के लिए और आई एम सो एक्साइटेड। तो मैं आ गई हूँ नहा कर, अब हो रही हूँ रेडी। मैंने पहन लिया अपना शॉर्ट्स एंड टी शर्ट। नॉर्मली मैं नहीं पहनती हूँ कैसे ऐसे किसी शो पर। ये मेरा थर्ड शो है दुबई में। और बताना कैसा लग रहा है। बस अब थोड़ा सा मेकअप करूँगी और थोड़ा सा मेकअप, उसके बाद थोड़े इयररिंग्स चेंज करूँगी जो मैंने दिखाए थे आपको, और आई एम ऑल सेट। शू पहन लूँगी, वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँगी तो वो लोग आएंगे एंड देन आई गो। बट हाँ, अभी तक ऐसा लग रहा है, जब पूरा हो जाता है तब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा हुआ। मैं ना मस्कारा लगा रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊँ कि ये जो मस्कारा है ना बेनिफिट का, दिस इज़ माय फेवरेट। ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि आपको ना फेक आई लैशेज की भी ज़रूरत नहीं है। लुक एट द ब्रश, इट हैज़ अ वे ऑफ यू नो, सो उसकी वजह से ये अच्छा लगता है। एंड आई लैशेज को ना एक साथ नहीं करता इट, या सी। तो इतना हो गया है और बस मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मानसी आती होगी अभी। मैं मानसी लोगों के साथ जा रही हूँ और दैट्स हाउ आई लुक। अभी मेरा ब्लश रह गया है जो कि ये वाला है बेनिफिट का, तो मैं सब कुछ बेनिफिट का ही यूज़ करती हूँ नॉर्मली। ये वाला, ये है रोज़ लेंटेड लिप एंड चिक सैटिन, तो मैं लगाऊंगी ये। और मानसी का आ गया कॉल, मैं बात करती हूँ और फिर चलते हैं। हाय मानसी,
आपको मेरे एक्साइटमेंट का लेवल तो पता चल ही गया होगा। और हम यहाँ निकले अबू धाबी के लिए। शाम का शो था तो हम यहाँ से दुबई से गए अबू धाबी, और वहाँ जाकर देखा कि इतनी भीड़ थी कि सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे दिलजीत के फैन भी थे। ये बैंड्स मिले जिसमें कि लाइट कंट्रोल हो रही थी, कभी रेड कभी ब्लू कभी ग्रीन है कभी येलो जल रही थी। हम लोगों ने वहाँ पे अच्छे से डिनर भी किया क्योंकि डांस भी तो बहुत सारा करना था। बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी पिक्चर्स खींची अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे ना सबका एंथुजियाज्म एकदम हाई पे था, सब लोगों की हाई पावर चल रही थी कि बस वेट हो रही थी कि दिलजीत दोसांझ बस दिख जाए एक बार। और ऐसी दिख रही थी मैं विदाउट चश्मे के। चश्मा ले जाना तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता दूर का। और यहाँ शो शुरू होने वाला था और हम लोग थोड़ा सा पीछे थे, लेकिन हम लोग देख पाए दिलजीत दोसांझ को। और विश कर रही हूँ कि अगली बार जल्दी से सामने से बिल्कुल पास से मैं देख पाऊँ। और ऐसा था हमारा पूरा शो। मुझे शायद रिकॉर्ड करने की, वॉइस ओवर करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी आवाज़ मोर देन इनफ है। कोई फेर उदू पैंदे ने किसी नवे समय जिन्हां दी कोई मंजिल नहीं। असल च सफर ही अपने आप च मंजिल है, ते सफर विच मिलन वाले सारे किरदार ले ओ इको एनर्जी का। हर एक गल जिहड़ी तुहाडी जिंदगी च तुहाडे नाल होंदी है ओ तुहाडी तैयारी है। एक ओंकार जिन्हें भी जिंदगी के एक्सपीरियंस थानू तराश देने ते सारे तो वध सट्टा सहन वाला अपने आप हीरा बन जाता है। ये सारी खेड ऐदा है जिवें कोई पहला तो लभी हुई चीज गवाच के दोबारा लभ जाए, पर दोबारा लभी चीज का मुल पहला नालों कितने ज्यादा वध जाए। जिवें मच्छी पानी च रह के पानी की कदर ना करे, जिन्ना लभ्या जाना जरूरी है उन्ना ही गवाचना भी जरूरी। सब नू आपो अपने किरदार मिले हुए, फिर जदों सारा कुछ है ही ड्रामा, फिर ड्रामा तो सिरे वाला ही होना चाहिए। ताई सवाल ते ड्रामे विच किदा नाम, कौन बदना, केड़ा उच्चा केड़ा नीवा, की रब की शता। ये सारे नदियां नाले झरने उसे एक चो निकल के उसे विच ही जा रहा। महाराज ने सानू सुरत बख्शी, ते मेरी यही अरदास है तुहाडे सारिआं लई कि उह सुरत हमेशा चलती रहे। इत्थे प्यार वंडणा है ते प्यार वंड के जाणा है, किसे ने उह तों इलावा कख नहीं मंगदी। जिन्नी हार जित दी गल है हर इक उसे इक दी गल है। जो भी मैं ते तूं दा रौला है सारे ही एवें तूं दा रौला है। ओदी उसे विच दी गल है हर एक उसे एक दी गल है। एक Ladies and gentlemen, take care of ourselves and those around us. Watch out, man. Watch out, Denji coming, man. They say, go, he on.
Oh,
रूप तेरा कपच ना फजे ताते आप दसे करे शैनी आज वे की हो जा डूब जानिए अखरे द साजा और तंग रह जे दिल लेना चाहिए हस हस जुड़ी उते तारे गबरू तंग रह जे दिल लेना चाहिए हस हस जुड़ी उते तारे गबरू दिल विच सबे दब लेंदे आ कहना भी चाहिए पर ता भी चुप रहिंदे आ ओ रहना नू लोड़ तेरी दीद दी दूर भी रहना नहीं आउंदा दिल नू तेरे ना किन्ना प्यार है चपकड़ा में ना सानू ते कहना भी नहीं आउंदा मुझे ना अभी भी गूज़बम्स है।